हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द लवर्स, द वर्ल्ड ऑफ सोर्स, द टावर एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, ये कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। मैं कह सकती हूँ कि रीसेंट एनर्जीज हैं, बहुत लोगों के लिए आज की भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो जो सिनेरियो मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ, आप किसी के लिए एक इंटेंस रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहे हो, या फिर एक जो वल्नरेबल साइड होता है फेमिनिन्स के अंदर, वो शायद बहुत ज़्यादा आप पर इम्पैक्ट डाल रहा है। एक जो इंक्लिनेशन है किसी पर्सन की तरफ आप हद से ज़्यादा महसूस कर रहे हो, मैग्नेटिक पुल या मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप इस हद तक महसूस कर रहे हो कि आपका ये बिहेवियर आप पर हमेशा से ही एक बर्डन डालता आया है, क्योंकि पास्ट इवेंट्स में आपने कुछ ऐसे सिनेरियोज़ देखे हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पर जब भी आप किसी पर्सन के लिए अपना वल्नरेबल साइड शो करते हो, वो पर्सन आपसे दूर चले जाते हैं। तो एक मैं कंट्रोल देख रही हूँ यहाँ पर। कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स इस तरह से फील करने से खुद को शायद रेजिस्ट कर रही हैं, क्योंकि आप जिस पर्सन के लिए एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, इस पर्सन के साथ आपका स्पिरिचुअल लेवल पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइस। इस कनेक्शन को ना ही आप डिनाई कर सकते हो, बहुत लोगों के लिए एक डेस्टाइंड रिलेशनशिप है। तो हो सकता है आज की इस हैवी एनर्जीज के चलते आप उस अट्रैक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन की तरफ हो सकता है आपका एक एक्शन बनता है, लेकिन आप उस एक्शन को लेने से खुद को शायद रेजिस्ट कर रहे होंगे। वजह यह है कि आप उस पर्सन को ये बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते कि आप इनके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, या फिर एक बहुत ही डीप इंक्लिनेशन आप इस पर्सन की तरफ महसूस करते जा रहे हो, कैरिड अवे होते जा रहे हो। रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं, या फिर आप इस पर्सन के लिए वो इमोशनल अटैचमेंट महसूस कर रहे हो, इस पर्सन को खोने से शायद आप डरते हो। तो यही वजह है आज की इन एनर्जीज के चलते कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स अपनी पोजिशन को बहुत ही ज़्यादा गार्ड कर रही हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर ये बिल्कुल ही न्यू कनेक्शन है और आपको ये पता चल गया कि ये जो पर्सन है आपके मैस्कुलिन है, आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो, तो हमारी ये जो भी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होगी। यानी कि इतनी जल्दी आप ऐसी फेरी टेल्स वाली लव स्टोरीज पर बिलीव नहीं करती होंगी। कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड आपका बिहेवियर रहा होगा, या फिर पास्ट के रिलेशनशिप्स ने आपको इस हद तक एक मैच्योरिटी लेवल दे दी है कि अब आप किसी भी ऐसे कनेक्शन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर पाते होंगे गाइस। कि कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स की लाइफ में अगर कार्मिक साइकिल्स हो गुजरे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स आपने देख लिए हैं, कुछ ऐसे पेनफुल फेजेस अगर आपने अपनी लाइफ में देखे हैं जहां पर आपने अपने कार्मिक पार्टनर के लिए हद से ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट रखा था, अपना वल्नरेबल साइड उस पर्सन की तरफ आपने हमेशा से ही शो किया था, एक अनकंडीशनैलिटी आपने उस पर्सन के लिए रखी होगी, जो वहां से रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन आपको मिला है वो बहुत ज़्यादा आइदर पेनफुल मिला है, आप हमेशा से ही रोए हो उस पर्सन के लिए, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया वो सब कुछ समझ लो वो आपके लिए वेस्ट चला गया, और इन रिटर्न्स आपको कुछ नहीं मिला होगा गाइस। तो अब की बार अगर आपके लाइफ में कोई एक नए पर्सन ने एंट्री ली है, जहां पर आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ही डीप अटैचमेंट है, कनेक्शन है, जो कि बहुत लोगों के लिए आपके मैस्कुलिन है, तो आपको अगर पता है कि ये ही वो पर्सन है जिनके साथ सोल लेवल पर आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी टाइम से है, काफ़ी जन्मों से है, ये फील अगर आपको आता है तो ये वही पर्सन है। और इस पर्सन के लिए जो भी आप एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, उस अट्रैक्शन से खुद को आप रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता है कि
जो पैटर्न्स आपने देखे हैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर, वो सेम पैटर्न्स आप इस पर्सन के साथ दोहराना नहीं चाहते होंगे गाइस। वजह मैं आपको यही बता रही हूँ क्योंकि आपको डर है कि आप इस पर्सन को खो दोगे। तो आज के शिफ्ट के चलते आपके बिहेवियर में आपने एक सडन शिफ्ट लाने की कोशिश की है। इस पर्सन की तरफ आप आइदर बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे होंगे या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशंस को छुपाने के लिए आप इस पर्सन पर हो सकता है कोई ब्लेम रख रहे होंगे। एक समझ लो अपना वल्नरेबल साइड छुपाने के लिए आप इस पर्सन से लड़ रहे हो। मुद्दा कुछ नहीं होगा, मैटर कुछ नहीं होगा, अगर आप दोनों के बीच में नॉर्मली कम्युनिकेशन हो रही थी, उस कम्युनिकेशन से हटकर आज आपने कोई एक इम्पल्सिव टॉपिक छेड़ा होगा इस पर्सन से लड़ने के लिए, ताकि आप अपना वल्नरेबल साइड छुपा सकें और इस पर्सन पर आप कोई एक ब्लेम रख सकें। अपनी हैवी बर्डनड एनर्जीज को आपने इस पर्सन पर लाद दिया होगा गाइस, यही मुझे शिफ्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अपनी पोजीशन को गार्ड करना चाहते हो, अपने वल्नरेबल साइड को छुपा कर आप इस पर्सन से वो एक रेसिप्रोकेशन या रिस्पांस देखना चाहते हो कि ये आपको रोकें या फिर आपको मना लें। आप जानबूझकर हो सकता है इनसे रूडली बिहेव कर कर गुस्सा जता रहे होंगे, ताकि ये जो भी पर्सन है ये डरें आपको खोने से, बट एक्चुअल में क्या है, आप इनको खोने से डर रहे हो। तो ये एक समझ लो आपका डिफेंस है गाइस, आप खुद की पोजीशन को, अपनी खुद की फीलिंग्स को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि अगर वल्नरेबल साइड दिखे भी तो सामने वाले पर्सन का दिखे, आपका नहीं दिखे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब देखते हैं इसी सिचुएशन में आपके पर्सन किस तरह से एक्ट कर रहे होंगे आपके साथ, या इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो मे बी ये जो भी पर्सन है ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं गाइस, इनको पता है आप जिस भी वे में बिहेवियर्स इनके टूवर्ड्स रख रहे हो, ये आइदर आपका बिहेवियर टाइम बीइंग होगा या फिर आप जो भी एक इम्पल्सिव एटीट्यूड या एक जो गुस्सा इनकी तरफ शो कर रहे हो, ये इस गुस्से को शायद रेसिप्रोकेट या रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे। ये एक हैंग्ड मैन पोजिशन में चले गए, मतलब दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग, देखना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। मे बी इस पर्सन को वाइब आ रही होगी कि आप एक्चुअल में नाराज तो नहीं हो, लेकिन शायद शो कर रहे होंगे। फाइन, तो दे आर जस्ट वेटिंग, इन्हें पता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह है इनके लिए। आप हमेशा से ही इन पर डोमिनेंट रहे हो और इस पर्सन को पता है कि एट टाइम्स आपका बिहेवियर ऐसा भी आता है, तो इसीलिए यही वजह है कि ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। मे बी इनकी कुछ गलती नहीं होगी, तो यही वजह है कि ये आपकी तरफ वैसा कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं, और शायद इस वजह से आपके अंदर एक जो स्ट्रगल है वो और ज़्यादा बढ़ रहा होगा कि इस पर्सन का मुझे रेसिप्रोकेशन उस तरीके से क्यों नहीं आ रहा जैसा मैं चाहती हूँ या फिर जैसे वेज में मैं देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा चाह रहे हो आपके पर्सन उस फेज में एक्ट नहीं कर रहे हैं, और ये बात भी आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, और शायद आप इस अटैचमेंट से खुद को रिलीज करने की बहुत ज़्यादा कोशिशों में जुटे हुए हो। आप चाहते हो कि मैं इस तरह से ना फील करूं, जो भी इस पर्सन की तरफ मैं इंक्लाइन होती जा रही हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। अभी राइट नाउ आपकी थॉट्स इसी वेज में जा रहे हैं, क्योंकि पास्ट के पैटर्न्स ने आपको बहुत ही ज़्यादा डरा दिया है। ये एक फियर मैं कह सकती हूँ, डिफेंस से ज़्यादा आप खुद को उन सारे पास्ट के फियर्स से बचाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अब की बार इस वेज में बिहेव नहीं कर सकती, आई कांट अफोर्ड दैट पेन अगेन। फाइन, तो ऐसी एनर्जीज हैं आपकी, और बहुत लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आपके जो भी पास्ट के पैटर्न्स थे, अगर वो किसी कार्मिक पर्सन के लिए नहीं थे, इसी पर्सन के लिए थे, तब भी आप डर रहे हो गाइस, तब भी आपको एक डर सा महसूस हो रहा होगा कि मैं फिर से वही एक पैटर्न फॉलो करती जा रही हूँ कि मुझे दोबारा से वो पेन ना फेस करना पड़ जाए, यू नो। तो आपके पर्सन यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हैं, यानी कि जिस वेज में ये आपके साथ बिहेवियर रख रहे थे, ये उसी वेज में आपके साथ बिहेव करना चाहते हैं, लेकिन आपका एक अनप्रेडिक्टेबल एटीट्यूड इन्हें देखने को मिल रहा है, उस चीज़ के लिए ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ये खुद को होल्ड करके रख रहे हैं, आपकी तरफ कोई रिएक्शन ना दें, शायद इन्हीं कोशिशों में ये भी बने हुए हैं आपके गुस्से का या फिर आपके इम्पल्सिव एक अप्रोच का ये
रेसिप्रोकेशन नहीं दिखाना चाहते, इन्हें पता है कि अगर ये रेसिप्रोकेट करेंगे तो मामला और भी वर्जन हो सकता है। आप दोनों के बीच में वैसे भी कोई मुद्दा नहीं है लड़ने का, फिर भी आप दोनों अगर लड़ रहे हो तो आपके पर्सन आपको बस ऑब्जर्व करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा चिल्ड वे में शायद ये एक्ट कर रहे होंगे। अगर आप इनको गुस्सा दिलाने की कोशिश भी कर रहे हो, ये गुस्सा नहीं दिखा रहे होंगे आपकी तरफ, क्योंकि इन्हें पता है कि एट टाइम्स आपका ऐसा बिहेवियर आता है और इन्होंने खुद को प्रिपेयर करके रखा होगा गाइस, और आपके इस बिहेवियर के चेंज होने तक का ये वेट कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप इनकी एग्जैक्ट एनर्जीज जानना चाहते हो तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप कब नॉर्मल होकर इनसे बात करोगे। अगर आपने इनसे गुस्सा जताया है तो दे वॉन्ट यू गाइज टू बी गेट काम डाउन, तो आपके पर्सन की एग्जैक्टली एनर्जीज यही है कि ये एक बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड वे में आपकी तरफ अप्रोच रखेंगे। तो कहने का ये मतलब है गाइज कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके सारे बिहेवियर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप इन्हें किन्हीं बातों के लिए प्रोवोक करते भी हो तो मे बी चांसेस आर देर कि ये इन सारी बातों को एग्री करें, जस्ट टू सी योर रिएक्शन कि आपके पर्सन एक टिट फॉर टैट वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। मतलब दे आर रिलैक्स्ड, इन्हें पता है कि आप तो इन्हें कभी छोड़कर जाओगे नहीं, या फिर यहाँ पर जो भी एक जो कनेक्शन की शुरुआत हो चुकी है वो तो टूटने नहीं वाली। बट फिर भी अगर आप इनके साथ इस वेज में बिहेवियर रख रहे हो तो शायद ये देखना चाहते हैं कि कब तक ये चलेगा। तो आप अगर जानबूझकर इनकी तरफ एक रूड बिहेवियर रख भी रहे हो फेमिनिन्स, तो यू गाइज हैव टू स्टॉप, क्योंकि आपके पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा एक रिलैक्स्ड मूड में है। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इन्हें पता लग गया होगा कि आप जो भी कर रहे हो जानबूझकर कर रहे हो, या फिर इनका अटेंशन सीक करने के लिए कर रहे हो, तो जस्ट डोंट डू दैट, क्योंकि फ़ायदा कुछ है नहीं। आप दोनों का अगर रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल रहा है तो उसको स्मूथली चलने दिया जाए। इनका खामखा का अटेंशन सीक करने के लिए अगर आप किसी ड्रामे में लैंड अप करोगे तो नुकसान आप ही को होगा। आप ही की एनर्जीज यहाँ पर मुझे हेवी नजर आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि वेयर दिस सिनेरियो इज लीडिंग। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, फाइव ऑफ कॉइंस, एट ऑफ वॉन्ड्स, ये फेमिनिन्स की एनर्जीज प्रोसीड होने वाली हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप अपने पर्सन की तरफ एक कोल्ड वेज में बिहेवियर रखोगे तो वो भी आपकी तरफ वही लौटाएंगे, राइट? तो इवेंचुअली आप ही को एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपने वॉक अवे किया है तो लौटना भी आप ही को पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन एक ऑब्जर्विंग एनर्जीज में चले गए हैं। ये कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने कोई गलती नहीं की है। जब इन्होंने कोई गलती नहीं की तो शायद ये भी कोई एक्शन अपने आप से नहीं लेना चाहते, ये जस्ट एक ऑब्जर्विंग मोड में चले गए हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पर क्वीन ऑफ क्वाइंस, द मैजिशियन एंड थ्री ऑफ क्वाइंस की एनर्जीज में प्रोसीड होंगे। जब आप इनकी तरफ वो एक्शन लेकर जाओगे जो अभी राइट नाउ अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन है, या फिर आपने एक इम्पल्सिव बिहेवियर इनके टूवर्ड्स रखा है, अगर आप वॉक अवे हो गए हो तो आपके पर्सन को शायद पता होगा कि आप कम बैक करोगे, आपका कोई ना कोई एक्शन इनकी तरफ आएगा, और शायद इसी चीज का ये इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज द मैजिशियन वाली एनर्जीज हैं गाइस। फाइन, आप अपने पास्ट के पैटर्न्स की वजह से इनके साथ एक कोल्ड वे में बिहेवियर्स रख भी रहे हो तो याद रखना अभी बागडोर इनके हाथ में है, ये इस कनेक्शन को हैंडल कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो आपको अपने इस फेक एटीट्यूड से, फेक इम्पल्सिव बिहेवियर से अभी उभरना होगा गाइस, क्योंकि आपके पर्सन इस चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे, जो कि बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है। बट एक बार जब आप नॉर्मल हो जाओगे तो आपके पर्सन आपको एम्ब्रेस करेंगे। ये नॉर्मली जिस तरह से भी आप दोनों के बीच में एक स्मूथ वेज में कन्वर्सेशंस चल रही थी, उसी वेज में कंटिन्यूएशन में रहेंगी, क्योंकि आपके पर्सन मैजिशियन है, यानी कि आपके पर्सन की एनर्जी इज द मैजिशियन वाली है। ये शायद आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं गाइस। बट यहाँ पर बिहेवियर्स में अगर आपके थोड़ा बहुत भी चेंज आ जाता है, और क्योंकि अगर आप जानबूझकर सिचुएशन को वर्सन करने की कोशिश करोगे फेमिनिन्स, तो यहाँ पर एक डिले भी आएगा, आपके पर्सन आपकी तरफ कोई रेसिप्रोकेशन भी नहीं दिखाएंगे, बर्डन आप पर बनेगा, और हो सकता है आप दोबारा से उसी जोन में लैंड अप कर जाएं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना है, ग्राउंड करना है, बैलेंस करना है, ताकि आप अपने उस इम्पल्सिव बिहेवियर्स को कंट्रोल में लेकर आ सकें। क्योंकि आप ऐसा इसलिए कर रहे होंगे गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, पास्ट के रिलेशनशिप्स की वजह से आपने शायद
इस तरह का बिहेवियर पुट अप किया है, क्योंकि आप डरते हो, वल्नरेबल होने से आपको डर लग रहा है। लेकिन ये वो पर्सन नहीं होंगे जिसके लिए आप ऐसा कुछ शो कर रहे हो। ये जो पर्सन है ये सच में आपसे प्यार करते होंगे गाइस, लेकिन शायद आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो भी आप एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हो उस पुल से शायद आपको डर लग रहा होगा कि कहीं मैं दोबारा से उसी पैटर्न में जाकर स्टक ना हो जाऊं, जो कि एक नेचुरल फीलिंग्स है। और यही वजह है कि अगर आप इन रीडिंग्स तक पहुंच चुके हो तो यूनिवर्स आपको यही सजेशन एंड गाइडेंस देना चाहता है कि ये वो पर्सन नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, ये बिल्कुल ही सही पर्सन है आपके लिए, और इस पर्सन के साथ आपको इस वेज में बिहेवियर नहीं रखना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस सिनेरियो में यूनिवर्स की तरफ से एग्जैक्ट आप लोगों के लिए क्या साइन है? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अंडरवर्ल्ड वाली एनर्जीज अपियर हुई हैं गाइस। तो एक इनविजिबल फोर्स आप दोनों के बीच में बना होगा, जैसे कि अगर आपने पास्ट में कुछ पैटर्न्स ऐसे देखे हैं कि हमेशा अगर आपको रिलेशनशिप फेलियर मिला है गाइस, तो समझ लें कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। यू नो, अब की बार जो भी आपके साथ हो रहा है, ये जो भी पर्सन है, ये आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से भेजी गई एक डेस्टाइंड पार्टनरशिप है। तो ज़रूर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन में आना चाहिए और अपने अंदर वो चेंज लाने की कोशिश कीजिए कि हर बार आपके साथ गलत ही नहीं होगा। अगर कुछ आपको पॉजिटिवली यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है तो वो आप ही लोगों की हार्ड अर्न्ड मैनिफेस्टेशन है गाइस। तो इस कनेक्शन की पोटेंशियल को देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नज़र नहीं भी आ रही है तो जस्ट एक पॉजिटिव साइड भी इस कनेक्शन का आपको देखना चाहिए गाइस, कि इस पर्सन का जो भी बिहेवियर आपकी तरफ आ रहा है वो किन वेज में है, और इस पर्सन पर आप किस हद तक ट्रस्ट कर सकते हो। अपने इंट्यूशंस को टटोलने की कोशिश कीजिए। जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस आप किसी भी सिचुएशन को उसी नज़रिए से नहीं देख सकते जो भी आपके साथ हुआ है। you know, तो इस पर्टिकुलर से सिनेरियोस पर एक इंसाइट रखना पड़ेगा, एक ओवरव्यू देखना पड़ेगा कि अब की बार यूनिवर्सल लेवल्स पर एक कॉस्मिक प्लान्स के थ्रू आप लोगों की लाइफ में क्या क्या अनफोल्ड हो रहा है, उन सारी चीज़ों की वर्थ को समझने की कोशिश कीजिए गाइस। तो इस पर्सन से खुद को रेजिस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, या फिर अपनी पोजीशन को जस्ट डिफेंड करने के चक्कर में इस पर्सन की तरफ जो भी आपका एक बिहेवियर जा रहा है उस बिहेवियर्स को आपने चेंज करना है गाइस, क्योंकि इट विल नॉट हेल्प यू, और ये इस कनेक्शन के लिए एक अनसर्विंग बिहेवियर होगा आपका। सो जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस। जिस किसी के साथ भी आज का ये जो शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है उनसे यही कहा जा रहा है कि इसमें से जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उन गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अगर आपने इस रिलेशनशिप को बचाना है तो आपको खुद का एक एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा गाइस। ऑलराइट, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।